घर हो या कार्य क्षेत्र, हमें वास्तु के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार अगर हम वास्तु के इन नियमों का ध्यान रखते हैं तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं घर के मुख्य द्वार के बारे में, जो कि सही दिशा में नहीं होने से हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का दरवाजा किस दिशा में बेहतर माना जाता है, दरवाजे को लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, माना गया है कि घर के दरवाजे की सही दिशा का संबंध व्यक्ति के भाग्य से होता है, जिसके कारण व्यक्ति के खर्च बढ़ने लगते हैं। वास्तु के अनुसार और साथ में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर का जो मुख्य द्वार रहता है, मुख्य द्वार का जो दरवाजा रहता है, वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जहाँ से हम निर्गमन करते हैं और जिस द्वार से हम घर में प्रवेश करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। घर का द्वार यदि सही दिशा में है तो हमारे जीवन के सभी प्रकार से सुख सौभाग्य समृद्धि की हमको प्राप्ति होती है, और घर का द्वार यदि गलत दिशा में है तो हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, कई प्रकार की बीमारियां रहती हैं, परेशानी रहती है, संकट आपत्ति विपत्तियां बनी रहती है। और घर का द्वार यदि शुभ दिशाओं में है तो लक्ष्मी का जो आगमन है वो बिना किसी बाधा के हमारे घर में बना रहता है। चार दिशाएं सर्वश्रेष्ठ होती हैं, एक पूर्व मानी गई है, उत्तर मानी गई है, पश्चिम मानी गई है और उत्तर पूर्व। इन चार द्वारों में यदि हम द्वार बनाते हैं तो ये वास्तु के अनुसार श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो घर का मुख्य द्वार रहता है उसकी चौखट में ऊपर की तरफ जो है गणेश जी और लक्ष्मी जी का स्थान होता है, जो देहली रहती है उस पर देहली विनायक वास्तु इत्यादि का स्थान होता है। घर की चौखट के जो दाई और बाई ओर का जो भाग होता है उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तापी, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि नदियों का वास रहता है। घर के द्वार में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद का भी निवास रहता है। तोरण में भी अलग अलग देवताओं का वास रहता है। तो ये सभी जब प्रभावकारी होते हैं, जब शुभ दिशाओं में यह दरवाजे होते हैं, मुख्य घर का जो मुख्य द्वार है यदि वो एक ही पल्ले का है तो उसको ऐसा लगाना चाहिए कि वो घड़ी की क्लाक वाइज वह दरवाजा खोले। हमें घर के दोनों ओर, घर की चौखट के दोनों ओर स्वास्तिक बनाना चाहिए, शुभ लाभ लिखना चाहिए, ऊपर श्री गणेशाय नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री इत्यादि हमको वहाँ लिखना चाहिए। ऐसा करने से दरवाजा जो है हमको शुभ फलदायक होता है। हम कहीं किसी कार्य के लिए जाते आते हैं तो हमेशा शुभ फल हमको प्राप्त होता है। इसके बाद पूर्व द्वार सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कुंडली में मंगल यदि सही स्थान पर नहीं है तो पूर्व द्वार भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पश्चिम द्वार जो है धन आगमन के लिए शुभ माना गया है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में बुध यदि सही स्थान पर नहीं है तो यह पश्चिम का द्वार भी आपके लिए समस्या देने वाला हो सकता है। उत्तर का द्वार उन्नति के रास्ते खुलता है, लेकिन उत्तर के द्वार में सामने की तरफ कोई दीवार या वृक्ष इत्यादि है, स्थिर कोई वस्तु है, तो वह आपके उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करता है। ईशान कोण भी शुभ होता है, लेकिन जिनकी कुंडली में बृहस्पति ठीक नहीं है उन लोगों को ईशान का द्वार जो है वह शुभ फल नहीं देता है। इसी प्रकार दक्षिण का जो द्वार है वह शुभ नहीं माना गया है, दक्षिण का द्वार जो है वह ठीक नहीं माना गया है, लेकिन जिनकी मकर राशि होती है या जिनकी कुंडली में शनि शुभ स्थान पर होता है, शुभ फल देने वाला होता है, ऐसे लोगों को कभी कभी दक्षिण का द्वार फल जाता है, बाकी अन्य लोगों को दक्षिण का द्वार शुभ फलदायक नहीं होता है। इसी प्रकार यदि आग्नेय कोण में दरवाजा है तो आग्नेय कोण का दरवाजा भी मध्यम फलकारक है, सभी के लिए शुभ नहीं होता है, लेकिन जिनकी कुंडली में अग्नि तत्व के ग्रह ज्यादा प्रभावी है ऐसे लोगों के लिए वह आग्नेय कोण का दरवाजा तो बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, बिल्कुल शुभ नहीं रहता है, ऐसे लोगों को सदैव नुकसानदायक होता है। इसलिए पूर्व, ईशान और उत्तर ये तीन द्वार श्रेष्ठ माने गए हैं। अपनी कुंडली के अनुसार इन तीन द्वारों में दरवाजा मुख्य द्वार हम लगाएं, और जिन देवताओं का हमने बताया था तो ग्रह प्रवेश करते समय इन सभी देवताओं का उस द्वार पर हमको पूजन करना चाहिए।